बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री कमलनाथ के घर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। 5 अगस्त को छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत हुआ। सिमरिया में हनुमान मंदिर में शनिवार से उनकी दिव्य राम कथा शुरू हुई। ये कथा 7 अगस्त तक चलेगी। सांसद नकुलनाथ ने एयर स्ट्रिप पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री की अगवानी की थी। फिर कमलनाथ ने अपने बंगले पर उनका तिलक किया और आरती उतारकर स्वागत किया। आज यानी रविवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने जाम सावली मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा बागेश्वर ने छिंदवाड़ा जिले वासियों की सुख शांति समृद्धि की कामना की। कमलनाथ के बेटे और सांसद नकुलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को धीरेन्द्र शास्त्री चार्टर्ड फ्लाइट से इमलीखेड़ा स्थित हवाई पट्टी पर दोपहर 12 बजे पहुंचे थे। वहां सांसद नकुलनाथ के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए शहनाई लॉन तक भीड़ लगी थी। नागपुर रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी भी हुई। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य रामकथा 3 दिन तक यानी 7 अगस्त तक चलेगी। रविवार को उनका दिव्य दरबार लगा। इस दौरान वे लोगों की समस्या के समाधान देते नजर आए। 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किया गया है। छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम देखने पहुँच रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।